नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति आखिरकार कैसे हुई थी। इस धरती का सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य आज अपनी उत्पत्ति को लेकर उलझा हुआ है। इंसानों की सोचने और करने की दृढ़ इच्छा ने कुछ हद तक इस उलझन को सुलझाने में काफ़ी सहायता की है। वर्षों की वैज्ञानिक खोज और कड़ी मेहनत ने आज मनुष्य की उत्पत्ति को सरल रूप में प्रदर्शित किया है। दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था, जो कि आकार में बहुत बड़े और छोटे छोटे भी होते थे। ये डायनासोर लगभग 14 करोड़ सालों तक राज किया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार ये लोग विशालकाय डायनासोर सब मारे गए और नष्ट हो गए? आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा सा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया था। धूल के बादल ने सूर्य को ढक लिया और तापमान गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाले 25 किलो से ज़्यादा वजन वाले हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए नया सुनहरा मौका लेकर आया, और यह नई प्रजाति थी मेमल्स। मेमल्स यानी स्तनधारी जीव। इन्होंने खुद इस महाविनाश से अपने आप को बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये मेमल्स जमीन के अंदर रहने लगे, और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाविनाश होने के बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए थे, और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे उनमें एडाप्टेड रेडिएशन की वजह से बहुत सारी नई प्रजातियों के जन्म लेने लगी। प्लीस्टोसीन इपोक ने 5.5 करोड़ साल पहले बंदर प्रजाति जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की ओर थी, और इसी काल में बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। प्राइमेट्स के सर के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण इवोल्यूशन हुआ। इसका स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस में सेंटर की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम हो गई। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने लगे। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल पैदा होने लगी, जो कि दो महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां आज हम भारतीय रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इस दोनों महाद्वीप को आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसे पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी, जो कि आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी, और इसी पर्वत शिखर से गिरने वाले बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने लगा। ओलिगेशंस इपोक में 3.5 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई। घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल धीरे धीरे घटने लगी। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए अनुकूल हो गए थे, और इन्हीं में दूसरे जानवरों को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लगे। लगभग 1.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी थी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग पूरी तरह से आज के समान बन चुका था, और धरती के साथ महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जाने पहचाने लगने लगे थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। लगभग 40 लाख साल पहले धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, और अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। यह पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के हरे भरे जंगलों में आने वाली मौसमी हवा का मानसून पूरी तरह रुक गया, और इसी वजह से यहाँ की जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। ये ही इस जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हैं हमारे काफ़ी दूर के रिश्तेदार, जो कि हमारे पूर्वज कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं पिरोला पिथिकस या पिरोला। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई थी। पिरोला पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरे डाल तक नहीं जा सकते थे, इसीलिए ये हमेशा झुंड में रहते थे। कभी कभी ये अपने दो पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। ये चल सकते थे, आम धारणा के उल्टा। सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों पर विकसित हुई थी। दो पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी और कुछ गोरिल्ला में विकसित हो गए, और कुछ इंसान में विकसित होने शुरू हुए, जो पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज़्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल के सूख जाने से इन एप्स को खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी। इसके लिए ये अब पेड़ों से उतरकर भोजन की तलाश में जमीन पर अपने कदम रखने लगे। ये हैं एर्टिपिथिकस रेडिमस।
ये हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने मानव इतिहास का पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास श्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। 2 पैरों पर अब चलने से ये खड़े होकर दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 25 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हैबिलियस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि हमें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकता था जो वह पहले नहीं कर पाता था। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और अंगुलियों को मजबूती प्रदान की, जिससे हम और कुशल तरीके से इसका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने ही सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे थे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया। आग पे मांस पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने और पचाने में ऊर्जा का कम खपत होना और इसी वजह से यह ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी। इन्हें कैलोरी और ज़्यादा मात्रा में मिलने लगी। 2 लाख साल पहले ये अपना रूप ले लिया था। लेरिंग्स यानी कि आवाज़ की जो नली हमारे पूर्वजों के गले में जो ऊपर थी वह नीचे आ गई थी। अब हम ज़्यादा जटिल आवाज़ें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पहली बार कोई जानकारी एक से दूसरे इंसान तक पहुंचने लगी थी। यही वह आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम यानी मानव, जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले दिमाग और हाथ पांव थे, प्राचीन हथियार थे, अब हम बात कर सकते थे, आग को काबू में भी रख सकते थे और अब हम अपने अफ्रीकन घर को और बड़ा कर सकते थे। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स खिसके तो अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए और उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था अफ्रो यूरेशिया। किसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर रहने लगे। इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया था। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुँच गए। जब बर्फ अपनी चरम पर थी तब इंसान अपनी खोज में बर्फ वाली इस जगह के बावजूद भी इंसान वहाँ हुनर का विकास कर रहा था, क्योंकि सच्चे मायनों में इंसान बन सके हमने खुद उस माहौल में ढाल लिया। हम ज़्यादा समझदार हो गए। उसके बाद हमने पूरी दुनिया में अपनी बस्तियाँ बसा ली। समुद्र के किनारे से पहाड़ की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक, हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आँख का आकार जलवायु और जगह के अनुसार बदलते चले गए। हमने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से खेती शुरू कर दी और जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। हमने कस्बों और शहरों का निर्माण शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान और गणित का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे हमें भविष्य में जानने के लिए ऊर्जा और तकनीकी मिली। ये है हमारा समय। अब हम पूरी तरह विकसित हैं। हमारे जैसे अब इस धरती पर अब कोई भी जीवन नहीं है। अब हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और ख़ुद को और विकसित और आधुनिक बनाना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय।